आज जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं आया वो है दानूब का डायमंड, जो कि काफी खूबसूरत प्रोजेक्ट है, काफी पॉपुलर भी है, क्योंकि इसके जो ब्रांड एम्बेसिडर है वो है सलमान खान। एक खूबसूरत सी बिल्डिंग उनकी आ रही है JLT के अंदर, जहाँ पे आपको 8 साल का पेमेंट प्लान देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा जो आपको अपार्टमेंट मिलते हैं इसके अंदर, वो फुली फर्निश्ड होते हैं और साथ ही साथ एक प्राइवेट पूल भी मिल जाता है। तो चलिए फिर मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा डायमंड्स बाय दानूब, जो काफ़ी खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इन डेप्थ बात करें तो ये होने वाला लगभग 62 फ्लोर्स का प्लस रूफटॉप। अगर बात करें लोकेशन की तो ये लोकेटेड है JLT के अंदर, और जो व्यूज़ आपको इसके अंदर से मिल जाते हैं, जो सबसे पहला फ्रंट साइड पर आपको व्यू देखने के लिए मिल जाता है वो होता है जुमेरा आइलैंड्स का। बैक साइड पे आपको JLT का व्यू मिल जाता है, और इस बिल्डिंग के बैक साइड पे आपको सी व्यू भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और बात करें अगर एमिनिटीज़ की, दोस्तों इसके अंदर आपको 40 प्लस एमिनिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि डॉक्टर ऑन कॉल है, नैनीज़ आपको मिल जाती है, और उसके अलावा दोस्तों योगा है, आप चाहे तो सोना रूम है, स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी पूल, इंडोर जिम, आउटडोर जिम, यू नेम इट वी हैव इट। और एक काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, लगभग 62 फ्लोर्स की होने वाली है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑफर्स ऑप्शंस भी मिल जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए। आपको मिल जाता है स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड्स भी। तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनके साथ आपको और एक लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप खरीद सकते हो विद अ प्राइवेट पूल। बिल्कुल सही सुना आपने, आसमान के अंदर आपका प्राइवेट पूल। तो अभी हम आए हैं दानूब डायमंड्स इस लोकेशन के ऊपर, इनके ऑफिस के अंदर, और यहाँ पे आपको मैं ये भी दिखा दूंगा इनके जो शो अपार्टमेंट्स है, शो यूनिट्स है, कि आपको किस तरीके की फिनिशिंग मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे दानूब के अंदर वो हो गए फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। जो आपको शो अपार्टमेंट्स में दिखेगा वही आपको मिलेगा। पेमेंट प्लान होने वाला है लगभग 100 महीनों का, यानी कि 8 साल के आसपास का आपको पेमेंट प्लान देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान भी मिल जाता है, जो कि है 5 साल का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान मिल जाता है, जो कि होने वाला सिर्फ और सिर्फ 0.5% पर मंथ। तो कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आप यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर हो DMCC मेट्रो स्टेशन से, और यहाँ से 6 मिनट से 7 मिनट आपको लग जाएंगे अगर आपको जाना है दुबई एन, या फिर आप कहिए ब्लू वाटर्स। अगर आप JBR बीच के ऊपर जाना चाहते हो तो वो आपसे 8 से 10 मिनट की दूरी पर है। और अगर बात करें कि यहाँ से नज़दीकी मॉल कौन सा है, तो आपको जुमेरा मॉल मिल जाता है एक, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा मॉल है, वो भी यहाँ पे 5 से 6 मिनट की दूरी पर है। और सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है डाउनटाउन, और 20 से 25 मिनट में आप पहुँच जाते हो DXP एयरपोर्ट पे। सो कनेक्टिविटी इज़ नॉट एन इशू, शेख जायद रोड से काफ़ी इजीली आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप काफ़ी इजीली कनेक्ट हो जाते हो पूरे दुबई से। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट, कुछ इस तरीके का एंट्रेंस आपको देखने के लिए मिल जाए ये दरवाज़ा, और एक काफ़ी खूबसूरत सा लॉबी एरिया आपको मिल जाता है, आप कह सकते हो एंट्रेंस एरिया। ये बेसिकली एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, अगर बात करें साइज़ की तो लगभग 420 स्क्वायर फीट की इसकी साइज़ है। और सबसे खूबसूरत बात कि यहीं पर आपका आपको वॉशर एंड ड्रायर, यहाँ पर आपको आपका कुकटॉप मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और ये आपका लैंडिंग एरिया आप कह सकते हो, यहाँ पर आप खाना बना सकते हो। काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी खूबसूरत तरीके से किया गया है। और ये रहा आपका रेफ्रिजरेटर, और नीचे आपको मिल जाता है आपका फ्रीज़र कुछ इस डिज़ाइन के अंदर, जो कि हिडन हो जाता है कैबिनेट्स के अंदर। अगर ये आप ये लेके Airbnb करना चाहो तो ये काफ़ी खूबसूरत सा ऑप्शन है। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये रहा आपका बेडरूम, मास्टर रूम आप कह सकते हो इसे, कुछ इस तरीके से आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे आपका बेड लगा हुआ है, किंग साइज़ बेडरूम, तो आप देख पा रहे हो काफ़ी बड़ी साइज़ है, काफ़ी इजीली आप हिल डुल सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा आपको इसे जिस तरीके से सेटअप किया गया है तो आपको सिटिंग एरिया भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी खूबसूरत सा है, और ये जो अपार्टमेंट आपको दिख रहा है आपको ऐसा ही मिलेगा या फिर इससे बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये अपार्टमेंट जो डैनूब देता है वो हमेशा फुली फर्निश देता है। और यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है आप इसके ऊपर से व्यूज़ देख सकते हो कि आपको कौन से व्यूज़ मिलने वाले हैं आपके अपार्टमेंट से। तो ये जो व्यू है दोस्तों ये होने वाला है JLT का व्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत है, अभी तो ये ऐड आ गया। इसके बाद आपको अपटाउन का भी व्यू मिल जाता है, ये रहा आपको जुमेरा आइलैंड्स का व्यू कुछ इस तरीके से मिल जाता है आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग से। ये जो व्यू ड्रोन व्यू लिया गया है लगभग 34th और 35th फ्लोर के ऊपर से, तो काफ़ी खूबसूरत दुबई एन के भी आपको व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडियो, अभी चलिए देखते हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तो दोस्तों ये रहा आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट, कुछ इस डिज़ाइन में आपको मिल जाता है जैसे आप एंटर करते हो। आप यू आर इनवाइटेड बाय दिस ब्यूटीफुल फोयर, जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट के अंदर आपको खूबसूरत सी कांच मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती है। आइए मैं आपको घर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाता हूँ, वो है आपका किचन, कुछ इस तरीके का किचन आपको मिल जाता है। सेम यहाँ पे आपको हिडन अप्लायंसेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र, ये रहा आपका ओवन, ये रहा आपका कुकटॉप, और आपको दो अलग अलग इसके अंदर 2 से 3 अलग अलग आपको ये देखने के लिए मिल जाती है
फ्लो प्लान्स आप कह सकते हो। ये जो किचन है ये क्लोज किचन है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप इंडिया से हो और जब तड़का लगता है तो तड़का सिर्फ किचन में नहीं पूरे घर में लगता है, तो इस वजह से आप चाहे तो आप इसे कुछ इस तरीके से क्लोज कर सकते हो, इस साइड से और इस साइड से। और बन गया आपका क्लोज किचन, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी जब घर में मिर्च मसाले वाला खाना बनता है तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में आती है। और ये रहा आपका लिविंग रूम, काफ़ी स्पेशियस सा लिविंग रूम है, यहाँ पे आपके बैठने के लिए सोफा सेट रखा हुआ है। और ये जो अपार्टमेंट आपको मिलेगा फुली फर्निश्ड मिलेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल शैंडेलियर भी है यहाँ पे, और जो आपको बालकनी के व्यूज़ है जैसे आपको स्टूडियोज़ में थे वैसे ही ऑप्शंस आपको टू बेड के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते। ये रहे आपके व्यूज़ ऑफ जुमेरा आइलैंड्स, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाते। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है दानूब के अंदर की, दानूब में आपको मिल जाता है एक पुल। सो मैंने कभी इतने हाइट के ऊपर स्विमिंग नहीं की है, पर आप इमेजिन कीजिए कि आप 50 फ्लोर या 60 फ्लोर के ऊपर बैठे हो और आप इस पुल के अंदर से पुल के अंदर स्विमिंग कर रहे हो और इन व्यूज़ का मज़ा ले रहे हो, है ना खूबसूरत। जस्ट लेट इट सिंक इन। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा लिविंग रूम और किचन, जो दिख रहा है वही आपको मिलेगा क्योंकि ये अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड होने वाला है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपके बेडरूम्स। जैसे आप एंटर करते हैं एरिया लेफ्ट में आपका स्टडी रूम, आप चाहे तो इसे एक कुछ अलग चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो एक काफ़ी खूबसूरत सा स्टडी रूम यहाँ पे बना हुआ है। और ये रहा आपका पहला बेडरूम, कुछ इस तरीके से फुली फर्निश्ड बेडरूम आपको मिल जाता है। ये रहा आपका बेड, ये किंग साइज बेड है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी स्पेशियस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट्स टीवी सब कुछ लगा हुआ है, जो कि यार यहाँ पे कौन नहीं रहना चाहेगा। मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लगा। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपका पाउडर रूम होगा या फिर आप कह सकते हो गेस्ट वॉशरूम होगा, वो ये रहा। ये आपका गेस्ट वॉशरूम है या फिर आप कह सकते हो कि पहला जो बेडरूम होगा उसके लिए भी यही वॉशरूम होगा। इधर आपको शावर भी मिल जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और ये रहा आपका सिंक और ये रहा आपका सिटिंग एरिया या फिर आप कह सकते हो थ्रोन। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे खूबसूरत पार्ट इस घर का, जो है इसका मास्टर बेडरूम। काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है जिस तरीके से इसे सेटअप किया गया है। तो ये आपका किंग साइज बेड, यहाँ पे बैठने के लिए ये चेयर, और उनके लिए मैडम के लिए अगर वो सुबह रेडी होना चाहती है तो ये काफ़ी खूबसूरत सी वैनिटी भी यहाँ पे दी हुई है ताकि वो खूब सुबह यहाँ पे तैयार होके अपने काम में लग जाए। और चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो आपको यहाँ पे मिलता है आपका वॉशरूम, जो कि अटैच्ड होगा। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाता है लेफ्ट और राइट पे, काफ़ी सारा स्पेस है। उसके अलावा आपको ये खूबसूरत सा सिंक, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको मिल जाता है सेम उसी साइज़ में। आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाता है एक रेन ड्रॉप शावर यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया भी है। तो मेरे ख्याल से आप चाहे फ्यूचर में तो इसे एज अ स्टीइंग रूम भी बना सकते हो, इसको क्लोज कर दीजिए स्टीइंग आप यहाँ पे ले सकते हो, और काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों ये तो हो गया टूर हमारा स्टूडियो और टू बेडरूम का। अभी हम इसके पास जाने वाले हैं लोकेशन पे, जो कि है JLT में। हम जाके देखेंगे कि इस बिल्डिंग की लोकेशन कहाँ पर है, किस तरीके से ये लोकेटेड है JLT के अंदर। तो चलिए फिर चलते हैं। सो दोस्तों अभी हम आ गए हैं लोकेशन के ऊपर। ये रही डायमंड्स की लोकेशन जो कि मेरे पीछे है यहाँ पे। ये रही आपकी सो अपटाउन की बिल्डिंग, यहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और आने वाली है। तो काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन है ये। अभी हम लोग आए दानूब के ऑफिस से, लगभग 10-15 मिनट्स हमें लग गए यहाँ पे आते आते। कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो फ्लोर्स तो आपको काफ़ी बेहतरीन से व्यूज़ मिल जाएंगे सामने की तरफ। इस साइड पे आपको जुमेरा आइलैंड्स के व्यू मिल जाएंगे ये साइड पे और ये साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जुमेरा आइलैंड्स इसका जो नॉर्मली फेसिंग होगा वो इसी साइड पर होगा। उसके अलावा आपको ये मिल जाता है उस साइड पर, आपको मिल जाएंगे व्यूज़ आई गेस ऑफ सी व्यूज़ मिल जाएंगे यहाँ पर। आपको हायर फ्लोर्स पर अपटाउन का भी व्यू, अपना JLD का भी व्यू मिल जाता है। उसके अलावा काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ओवरऑल हर डायरेक्शन में आपको अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं अगर हम बात करें सिर्फ व्यूज़ की। और ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ROI जनरेट होगा। हर साल इसी एरिया में फ्री होल्ड 7,000 से ज़्यादा बिजनेसेस आते हैं, और काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, काफ़ी अच्छे यूनिट है, और जो एरिया है वो काफ़ी अच्छे से वेल डेवलप भी है। अभी से काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।